और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में जिस तरह से लॉकडाउन प्रभावी हुआ है, इसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। आम नागरिकों के बाहर निकलने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दरमियान किसी भी आम जनता को बेवजह अगर घूमता पाया जाएगा तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और इसको लेकर पहले ही हिदायत दी जा चुकी है। लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस लॉकडाउन में आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप तक बंद कर दिए गए हैं। जिले के सभी केंद्रीय अर्धशासकीय शासकीय निजी कार्यालय पूर्णतः बंद हैं, और इस दौरान थोक और फुटकर सब्जी फल दुकानें और खाने की होम डिलीवरी शराब की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ दवा दुकानें अस्पतालों को छूट दी गई है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं भी सील रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के चलते तमाम इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए, आप देख सकते हैं तमाम जगह बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, सीमाओं को सील कर दिया गया है। और इस बार जो लॉकडाउन है वो कुछ ज्यादा ही सख्ती के साथ लगाया गया है, क्योंकि लगातार अनलॉक में ये देखा गया है कि जागरूकता की कमी हो गई है। लोग लगातार कोरोना संक्रमण को बहुत ही सहज ले रहे हैं, जिसके चलते संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर तरफ सुनसान गलियां सड़कें नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से तमाम सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो जरूरी सुविधाएं हैं, जिसमें मेडिकल और दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी सुविधाएं हैं, लेकिन तमाम सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। पेट्रोल पंप तक बंद रखा गया है छत्तीसगढ़ में। तो राजधानी रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्ती से चेकिंग की जा रही है, और इसको लेकर पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे कि ये जो लॉकडाउन होने वाला है पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त होगा। निधि हमारे साथ जुड़ चुकी है रायपुर से। निधि, जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पहला दिन है और रायपुर में बहुत सख्ती देखी जा रही है, क्या कुछ आलम है, क्या लोग उस सख्ती का पालन करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सुनीता, आपको बताएंगे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार है वो इजाफा पकड़े हुए है, कल पकड़े हुए है। इसके लिए राज्य शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 21 तारीख रात 9 बजे से लेकर के 28 तारीख की रात 12 बजे तक लॉकडाउन करने का, और लॉकडाउन के दरमियान कड़ाई का सख्त से सख्त पालन ना किए जाने पर आम जनता पर कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो राजधानी में आज देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार का जो लॉकडाउन है वो काफी प्रभावी है। केवल दूध की दुकानें, इमरजेंसी सुविधा यानी कि मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, ये तीन चीजें खोली रखी गई है। सब्जियों की दुकानों को भी इस बार इजाजत नहीं दी गई है, और अगर कोई जनता बाहर इसी तरह बेवजह घूमते नजर आता है तो उस पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई की जा रही है। धारा 144 के तहत उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन लगाया है पहले ही कहा गया था कि काफी कड़ाई के साथ लगाया गया है। कई तरह की जो सीमाएं हैं, हर जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आता है तो उससे पूरी चेकिंग के साथ पूछा जाता है कि वो किस रीजन से आया है, कहां का है, और अगर बेवजह उसे घूमते पाया जा रहा है तो तत्काल रूप से पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने जो कोहराम मचा रखा है उसे देखते हुए राज्य शासन ने यह फैसला लिया है कि अब लॉकडाउन किया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के ऐसे कई जिले हैं जहां ज्यादा से ज्यादा के आंकड़े आ रहे हैं, वहां लॉकडाउन की स्थिति लगाई गई है। इसी के तहत राजधानी में भी लॉकडाउन किया गया है, और इस बार का ये जो लॉकडाउन है वो काफी प्रभावी है, काफी अलग है। कई तरह के निर्देश है, गाइडलाइन है, जिसमें सख्ती दी गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस बार पेट्रोल पंप तो खुले हैं, लेकिन आम जनता को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। केवल शासकीय गाड़ी, एम्बुलेंस, मीडिया कर्मी, आवश्यक जिनकी सुविधाएं हैं उन्हें ही केवल पेट्रोल की भी इजाजत दी गई है। आम जनता के लिए किसी भी तरह की कोई छूट इस बार नहीं दी गई है, क्योंकि जनता में हमेशा जागरूकता की कमी नजर आती है। और इसी के तहत आज राजधानी में भी जो नजारा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा
कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, काफी कड़ा लॉकडाउन है, और बावजूद इसके अगर लोग घरों से बाहर निकलते साफ नजर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जनता में जागरूकता की कमी है और इन पर कार्रवाई करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है। जिस समय बिल्कुल निधि तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है, पहला दिन है लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है, और जिस प्रकार से लगातार हम ये जिक्र करते आए हैं कि सरकार ये चाहती है कि जो आमदनी लोगों की अब रुक ना पाए, क्योंकि लगातार जो पहले लॉकडाउन लगे रहे हैं उसमें बहुत परेशानियां लोगों को हुई है, लेकिन जिस प्रकार से अनलॉक हुआ उसका फायदा उठाते हुए जो जागरूकता की कमी है वो लोगों में देखी गई है, और कहीं ना कहीं ये भी हमने देखा कि क्या आम क्या खास हर तरफ कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। यही वजह है कि एक बार फिर सरकार को सख्ती दिखानी पड़ रही है। इसका प्रशासन तो पालन करवा रहा है लेकिन जनता में किस प्रकार की जागरूकता है, क्योंकि कुछ लोग तो नजर आ रहे हैं लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बहुत हद तक ये लॉकडाउन सफल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुनीता, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो बिल्कुल राजधानी में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एकाध लोग ऐसे ही हैं जो बाहर अगर निकलते नजर आ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनसे पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब अनलॉक की स्थिति हुई थी, सारी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने जब इजाजत दिए थे, तो जनता जो है वो ऐसा समझ रही थी कि उनके बीच से कोरोना चला गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो दुकानों में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती थी, और यही कारण है कि फिर से एक बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और एक बार फिर सारी आर्थिक गतिविधियों को बंद करने मजबूर होना पड़ा प्रशासन को, और सभी तरह के चीजों को बंद कर अब लॉकडाउन जो लगाया गया है ये केवल और केवल जनता की जागरूकता ही बयान करती है। क्योंकि लाख कोशिशें करने के बावजूद भी केवल शासन प्रशासन किस हद तक अपनी मुस्तैदी दिखाएंगे और कार्य करेंगे, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा ना ये लॉकडाउन सफल बनाया जा सकता है और ना ही कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। जी सुनीता बिल्कुल, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है आप ये ना समझे कि कोरोना हमारे बीच से चला गया है। अगर सरकारें ये कोशिश कर रही है कि आपकी आर्थिक गतिविधियां और जनजीवन चले, लेकिन ये जरूरी है जनता को भी समझना होगा कि जागरूकता आपको दिखानी होगी, आत्म अनुशासन आत्मनियंत्रण आपको भी रखना होगा, और यही वजह है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें एक बार आप फिर देख लीजिए, ये सबक है कि कहीं ना कहीं अगर आप जागरूकता की कमी दिखाएंगे तो लॉकडाउन का सामना हर जगह करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा